भारत में पाए जाते हैं। केवल 4 जहरीले सांप। इस ट्रिक से एक नजर में पहचान लेंगे आप, सेफ रहेगी लाइफ। हाल ही में विश्व सर्प दिवस था। दुनिया में प्राकृतिक संतुलन कायम रखने के लिए हर एक जीव का होना जरूरी है। ऐसे में सांप इस प्राकृतिक संतुलन का एक अभिन्न हिस्सा है। ये रेंगने वाला जीव वैसे तो जंगलों में रहता है, लेकिन कई बार यह आबादी वाले इलाकों में भी आ जाता है और इंसानों को डंस लेता है। इनके डंसने से इंसान की मौत हो जाती है। देश में हर साल हजारों की संख्या में लोग सांपों के डंसने से मर जाते हैं। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि भारत में कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं और इनमें से कितने जहरीले होते हैं। वर्ल्ड स्नेक डे। आज विश्व सर्प दिवस है। दुनिया में प्राकृतिक संतुलन कायम रखने के लिए हर एक जीव का होना जरूरी है। ऐसे में सांप इस प्राकृतिक संतुलन का एक अभिन्न हिस्सा है। ये रेंगने वाला जीव वैसे तो जंगलों में रहता है, लेकिन कई बार यह आबादी वाले इलाकों में भी आ जाता है और इंसानों को डंस लेता है। इनके डंसने से इंसान की मौत हो जाती है। देश में हर साल हजारों की संख्या में लोग सांपों के डंसने से मर जाते हैं। ऐसे में आज विश्व सर्प दिवस के मौके हम आपको बता रहे हैं कि भारत में कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं और इनमें से कितने जहरीले होते हैं। अभी तक की शोध के मुताबिक भारतीय उपमहाद्वीप यानी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका के क्षेत्रों में मुख्यतः 4 तरह के विषौले सांप पाए जाते हैं। इन 4 सांपों के अलावा अन्य सभी सांप अपेक्षाकृत निम्न विषैले या फिर विष रहित होते हैं, यानी इनके डंसने से इंसान की मौत नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इन विषैले और विष रहित सांपों को पहचानना है। इसके लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। दरअसल अपने यहाँ मिलने वाले सांपों में सबसे प्रमुख हैं कोबरा, नाग, वाइपर्स, करौत और रसेल वाइपर्स। इनके अलावा जो भी सांप पाए जाते हैं वे अपेक्षाकृत कम विषैले होते हैं। ऐसे पहचाने जहरीले सांप। नागों की सबसे बड़ी पहचान उनका ट्रायंगुलर फेस और खुरदुरा स्किन होता है, जबकि रसेल वाइपर की पहचान उनका हल्का पीला रंग होता है। इसके साथ ही उनके बदन पर रिंग आकार की धारियां होती हैं। उनका विष वाला दांत सबसे लंबा और तीखा होता है। तीसरे नंबर पर आता है करैत। इसे सबसे खतरनाक सांप माना जाता है। इसके बदन पर भी झालरदार घेरे बने होते हैं। ये बेहद चमकदार होते हैं। ये बहुत तेजी से डंसते हैं और कई बार तो इनका डंसना इंसान को पता भी नहीं चलता है। इनके डंसने के कुछ घंटों के भीतर इंसान का नर्वस सिस्टम बैठने लगता है और उपचार में देरी होने का मतलब मौत है। चौथे नंबर पर कोबरा है। ये अपने फन के लिए दुनिया में फेमस है। इनके स्किन का रंग ब्लैक या ब्राउन होता है। नाग या गेहुअन। भारत में सबसे ज्यादा नागों के डंसने के मामले आते हैं। इस सांप को कई क्षेत्रों में गेहुअन भी कहा जाता है। ये जब भी डंसते हैं पूरी शक्ति से डंसते हैं। इस कारण इनके डंसने के बाद इंसान में जहर का प्रवेश तय माना जाता है। जबकि कोबरा और अन्य सांप कई बार बेहद हल्के तरीके से डंसते हैं। इससे वे इंसान के शरीर में प्रभावी तरीके से जहर इंजेक्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसे में कई बार लोग कोबरा के डंसने से बच जाते हैं। तो मोटे तौर पर जहरीले सांप को पहचाने के ये तरीके हैं। लेकिन हमारा सुझाव है कि इनसे बचने का सबसे सुरक्षित तरीका इनसे दूर रहना ही है। अगर आपके पास सांपों को पकड़ने की अच्छी ट्रेनिंग नहीं है तो प्लीज इनसे दूर ही रहें, क्योंकि इनके डंसने के बाद यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि वह किसी प्रजाति का सांप था और उसके विष का असर कितना है।